कॉइन का। ओके त्रिपाठी जी, आई विल कम फॉर सेकंड राउंड। ओके विनीत, विनीत विनीत चुनाव बाद। अरे देख लेते हैं गुरुजी। टीना जी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू ऐश्वर्य जी। राजकेश्वर जी राइट आफ्टर दिस। ऐश्वर्य जी राम राम आपको, सभी दर्शकों को और सभी को भी राम राम। एक तरफ जो है बेटी का सम्मान देखिए, मोदी जी सभी को अपनी बेटी मानते हुए 10 करोड़ टॉयलेट, 10 करोड़ गैस के कनेक्शन, आयुष्मान भारत से उनकी सुरक्षा करना, उनको मुद्रा लोन देके उनके आय को बढ़ाना, ये एक बेटी के लिए नहीं तो अनेक हजारों लाखों करोड़ों बेटियों के लिए उन्होंने किया देश की। और दूसरे तरफ एक माँ को देखिए जो दो बेटे को भी नहीं संभाल पाए। मैं दो बेटियों की बात कर रहा हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी की और प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने इसलिए कांग्रेस छोड़ा क्योंकि उनका अपमान हुआ था कांग्रेस में, और प्रियंका वाड्रा को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माँ को बेटी से ज़्यादा बेटा प्यारा था। और रही बात जहाँ तक कि ये रायबरेली में लड़ने की, तो रत्नाकर जी एक कहावत है, जो बोए बेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। आपने इतनी नफरत जाति में बांटा, धर्म में बांटा देश को कि कहाँ से आपको वोट मिलेगा। आप कहीं से भी लड़ लीजिए, और मेरा चैलेंज ये है माँ को बहन को बेटे को साथ में लड़वा दीजिए। अगर कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन बना लीजिए, तीनों कैंडिडेट को साथ में लड़ा लीजिए, इस बार तो हार जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का आरोप आपके ऊपर है, वो कह रहे हैं आज सिस्टम आप बना लो, कहां से बनाएंगे। मेरे साथ इस समय नॉट इन मल्टी व्हाट आई टोल्ड यू गुप्ता डू दैट विंडो। मेरे साथ इस समय पूर्व कांग्रेस के नेता और अब बीजेपी में है कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन उनके जो विचार है वो बहुत क्लियर है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं। आचार्य जी ये क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी जिनकी आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है, और राहुल गांधी अमेठी से चले गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रेणु मित्तल जी, जरूर आप जानते होंगे। रेणु मित्तल जी कह रहे हैं भाई अमेठी भी जीत जाते लेकिन क्योंकि पूर्व, ये क्या हो गया कैमरा को, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष भी वहीं से जीतते थे तो इसलिए राय बरेली से लड़ेंगे। आचार्य जी अगर ऑडियो आ रहा है, आपका फ्रेम मुझे मिल रहा है जी। आचार्य जी रेणु जी कह रहे हैं अमेठी से भी जीत जाते लेकिन चूज कर लिया इनी मिनी माइनी इनमो में राय बरेली। आचार्य प्रमोद कृष्ण अजय आलोक जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य जी कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़े वो उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसका अधिकार है, उसमें कोई किसी की दखल नहीं है। लेकिन यहाँ विषय दूसरा है, यहाँ विषय ये है कि जो नेता रोज कहीं ना कहीं जहां भी वो मीटिंग लेते थे वो ये कहते थे, अगर वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी तो कांग्रेस के नेताओं को जब भाषण देते थे तब भी कहते थे डरो मत, जब पब्लिक मीटिंग में होते थे तब भी वो कहते थे डरो मत, और जब आपको याद होगा कि पॉलिटिकली मीटिंग्स होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी तो मीडिया को भी वो कहते थे कि डरो मत। तो जो नेता दूसरों को कहते थे डरो मत, आखिर वो स्मृति ईरानी से क्यों डर गए या अमेठी से क्यों डर गए? अमेठी की जनता तो वो जनता है जो पूरा उनका परंपरागत प्यार और समर्थन सहयोग हमेशा रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सवाल जीत हार का नहीं है, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मायूस हुए हैं इस फैसले से, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता था कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे और अमेठी से उन्हें लड़ना भी चाहिए था। हार जीत तो अलग बात है। अब जहां तक सवाल है कि साहब राहुल गांधी जी ने अमेठी का लड़ने का फैसला नहीं किया, तो ये फैसला तो 10 दिन पहले ही कर देते, 20 दिन पहले कर देते, 25 दिन पहले कर देते। हालांकि उनकी पार्टी का फैसला, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल है, किसके बारे में क्या परसेप्शन देश की जनता में बना है। तो आज राहुल गांधी जी के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ था कि राहुल गांधी जी डरते नहीं है, वो परसेप्शन खुद ही उन्होंने तोड़ दिया, इस फैसले ने वो परसेप्शन तोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए? नहीं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, और आप प्रियंका गांधी के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे? आपका हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर आचार्य जी। अरे मैं नहीं, ऐश जी ऐश्वर्य, मैं नहीं कह रहा, जो राहुल गांधी जी का फैसला है ये फैसला बता रहा है, आखिर अमेठी से क्यों वो डर गए ये फैसला बता रहा है। और अगर इतना देखिए, ये तब संभव, तब और बात होती कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे और वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को रोज गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप इतना बड़ा फैसला अगर आप ले रहे थे कि आप अमेठी को छोड़ रहे थे तो फिर काशी से लड़ना चाहिए था आपको, तो एक परसेप्शन दूसरा बनता। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस में मैं कल तक था
ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं, और आपको ऐश्वर्य मैं बताऊं, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, मैंने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने मुझको निष्कासित किया था। और क्यों निष्कासित किया था, मेरा गुनाह क्या था? मेरे तीन गुनाह थे। पहला, मैंने ये कहा कि भाई प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रियंका जी, लोकसभा की टिकट नहीं दे रहे हैं आप उनके लिए कमान मांग रहे हैं। दूसरा मेरा गुनाह था कि भाई आप भाजपा से लड़ो, भारत से लड़ो, राम मंदिर का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। तो सवाल इस बात का है, मुझे कांग्रेस ने निकाला, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, और मैंने आज तक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। स्टिल नाउ वही तो मैंने कहा कि है कि नहीं बीजेपी, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, ये अलग बात है। नहीं, कल के गर्भ में क्या ये किसको पता। भाजपा से ना टिकट मांगा जब मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, नहीं जब मैंने पार्टी ही ज्वाइन नहीं की तो मैंने भाजपा से टिकट भी नहीं मांगा। मैं तो श्री कल्की धाम के मंदिर के निर्माण के प्रयास में लगा हूं, और अभी मैं दो दिन तीन दिन से मैं आबू धाबी में था, दुबई में था, वहां जो मंदिर बना है आबू धाबी में, मैंने उस मंदिर का दर्शन किया तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। जहां 1000 साल पहले सऊदी अरब की तमाम उस भूमि पर, तमाम यूनाइटेड अरब अमीरात का जो पूरा भूमि है, वहां 1000 साल पहले मंदिरों को चुन चुन के ढाया गया था, आज वहां एक मंदिर बना है, तो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करूं? इसलिए तो आपको कांग्रेस से निकाल दिया, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। भारत नहीं, आप वो तो हम आपके साथ एक घंटे का पॉडकास्ट करते, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये अमेठी से भाग के राहुल गांधी रायबरेली से आपके अनुसार जीत जाएंगे क्या? मुझे पता आपको जाना है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है क्या रायबरेली से राहुल गांधी जीत जाएंगे क्या? अगर मैं आपको अपने पूरे पैनल की राय बताऊं, अजय आलोक जी कहते हैं नो, विनीत गोयनका कहते हैं नो, रेणु मित्तल कहती है यस, रत्नाकर त्रिपाठी कहते हैं बिल्कुल जीत जाएंगे, राजकुमार भाटी तो कहते हैं अमेठी रायबरेली दोनों जीत जाएंगे, राजकेश्वर सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ से, उनके पास मैं गया नहीं हूं, टीना जी के पास गया नहीं हूं। आचार्य जी आपको क्या लगता है? ऐश्वर्य, एक सीट जीतना एक सीट हारना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है राहुल गांधी जी ने लोगों का विश्वास आज खो दिया है। जो लोग ये विश्वास करते थे, जो लोग ये मानते थे कि राहुल गांधी डरते नहीं है, और जब ये विश्वास खो दिया तो एक सीट जीत जाओ या हार जाओ क्या फर्क पड़ता है उस पर, इतना बड़ा देश है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी एक ऐसी विरासत के मालिक हैं, बहुत बड़ी विरासत है, पर क्या वो उसे संभाल पा रहे हैं? इंदिरा गांधी आचार्य, रेणु मित्तल उसके नहीं, अजय जी कमिंग टू यू इन 30 सेकंड्स, रेणु जी सुना आपने आचार्य जी क्या कह रहे हैं? विरासत तो बड़ी है लेकिन क्या संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी? हाँ, मुझे लगता है कि वो नहीं, मुझे लगता है कि वो उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे, और अगर वो उस विरासत को संभाल लेते तो देश में कांग्रेस का जो परिदृश्य है, कांग्रेस की जो स्थिति है वो और होती। रेणु जी, और एक बात और मैं कह दूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड अगर आप दे दें, 30 सेकंड दे दें, कि ये जो प्रियंका गांधी जी को चुनाव न लड़ाने का फैसला, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है, साजिश जो प्रियंका गांधी को संसद नहीं। अब मेरे को एक